बरेली के बड़ा बाजार में सोमवार को प्रिंटिंग प्रेस में आग भड़क उठी। धुआं और आग की लपटें देखकर बाजार में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सोमवार को सुबह बड़े बाजार में दुकानें खुलने के साथ ही हड़कंप मच गया। बरेली की मशहूर वरदान प्रिंटिंग प्रेस में सुबह 9:45 बजे अचानक आग भड़क उठी। आसपास के व्यापारी दुकानें छोड़ बाहर निकल और आग बुझाने के प्रयास शुरू हो गए, लेकिन आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। पूरे इलाके में धुएं का गुबार देखकर व्यापारी बड़ी अनहोनी की घटना से आशंकित हो गए। सूचना पर परसाखेड़ा और सिविल लाइन्स से बड़े बाजार पहुंची दमकल की 4 गाड़ियों ने आग बुझाने का काम शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने स्थानीय दुकानदारों के साथ मिलकर काफी देर में आग की लपटों पर काबू पाया। आग इस कदर भड़की थी कि प्रिंटिंग प्रेस में रखा लाखों रुपयों का कागज और दूसरा सामान जलकर खाक हो गया। संकरी सड़कों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को प्रिंटिंग प्रेस तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि सुबह सुबह बड़ा बाजार पूरी तरह नहीं खुल पाया था, इसलिए बाजार में भीड़ और जाम थोड़ा कम था। अक्सर बड़े बाजार में दुकानें खुलने के साथ ही सड़क पर लंबा जाम लगना शुरू हो जाता है। अगर कुछ समय और बीतता तो बड़े बाजार में भीषण अग्निकांड की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बड़े बाजार के जिस इलाके में वरदान प्रिंटिंग प्रेस मौजूद है वह काफी संकरा और घनी आबादी वाला इलाका है। यहाँ रेडीमेड कपड़ों से लेकर कई साड़ी शोरूम हैं और कई बड़े व्यापारियों के माल के गोदाम भी मौजूद हैं। फिलहाल शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम अग्निकांड के कारणों की जांच में जुटी है।